गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? एकदम जबरदस्त। पढ़िए, हिम्मत नहीं हारना है। जब भी बैठो संकल्प लेके बैठो कि नहीं, ये चीज आज मैं कर लूंगा, देखना हो जाएगा। और अगर पहली दिमाग में ले लेते हो कि नहीं, ये चीज हमसे नहीं होगा, ये थोड़ा हार्ड है, नहीं होगा, अगर वो इजी भी होगा तो हमसे नहीं होगा। इसलिए जब भी किताब लेके बैठते हो, कोई भी टॉपिक लेके बैठते हो, एकदम पहले दिमाग को इजी करो कि नहीं, आज वो टॉपिक मैं पढ़ के समझ के ही खत्म करूंगा। देखोगे वो टॉपिक आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो ये देखो मिनरल न्यूट्रिशन का दूसरा पार्ट हम बताने जा रहे हैं। इजाजत है बेटा, शुरू करें, आप लोगों से बात कर लें। देखो 70 को बच्चा ज्वाइन किया है बेटा। कहाँ रहते हो आप लोग? हाँ सोनीली का बोलो। अरे वो स्पिंडल फॉर्मेशन है, एस्ट्रल ले नहीं पड़े सेल डिवीजन में, चाहे वो माइटोसिस हो मियोसिस हो। तो वो जो स्पिंडल फॉर्मेशन थेर लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, वो कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। ठीक है बेटा, शुरू करें। ये देख लो, डिफिशियंसी के बारे में थोड़ा सा मिनरल के बारे में आपको पढ़ना है। ये डिफिशियंसी सिम्पटम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स में। अब देखो क्या कहता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट बिलो व्हिच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज ए क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मतलब समझ रहे हो, क्योंकि कोई भी मिनरल्स है तो कितनी उसको क्वांटिटी चाहिए। तो वो जो मिनिमम क्वांटिटी होता है तुम्हारा, तो उसी मिनिमम क्वांटिटी को कहा जाता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब उस क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अगर कम होगा तो उस कमी के चलते क्या होता है, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे एडवर्स इफेक्ट आता है और उसका जो भी सिम्पटम होगा वो आएगा, उसका जो भी एडवर्स इफेक्ट होगा, चाहे वो पार्ट पे हो या उसको होल प्रोडक्टिविटी पर हो। तो उसी को कहा जाता है डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स या एसेंशियल एलिमेंट्स। अब देखो इसका सबसे डिफिशियंसी का क्या होता है क्राइटेरिया, कैसे सिम्पटम को, तो मॉर्फोलॉजी माने उसके लीफ के स्ट्रक्चर में, लीफ के कलर में, इसके ग्रोथ पे आपको मॉर्फोलॉजिकली नजर आवेगा। तो वही कहता है देखो, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स डिफिशियंसी एंड आर कॉल्ड डिफिशियंसी सिम्पटम्स। हर प्लांट का देखोगे क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज होता है, चाहे उसका लीफ का हो या स्टेम का हो। स्टेम में देखोगे दो नोड के बीच में इंटर नोड का भी एक लेंथ होता है। तो वो क्या होता है, कोई भी मिनरल का डिफिशियंसी होता है तो पहले तुमको सिम्पटम नजर आना शुरू हो जाएगा, तो उसी को कहा जाता है डिफिशियंसी सिम्पटम्स। अब देखो क्या कहता है, इट डिपेंड ऑन मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स। कभी कभी क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखो, मान लो किसी एक पार्ट में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, मान लो ये दूसरा पार्ट यहां पे है, वहां पर वो एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट क्या होता है, यहां चलाता है। तो अब वो जो कमी हुआ था वो पूरा हो गया, तो अब वो सिम्पटम यहां पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। डिफिशियंसी सिम्पटम का मतलब ये होता है कि उस एलिमेंट के चलते जो कमी, जैसे वो एलिमेंट दोगे पूरा तो वो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होगा, खत्म हो जाता है वो डिजीज। ठीक है, लेकिन पढ़ोगे आगे, कुछ बहुत सा मिनरल क्या होता है, मोबाइल होता है, वो ट्रांसलोकेट होता रहता है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो होता है वो मोबिलाइज नहीं होता है। अब देखो इस डिफिशियंसी सिम्पटम के चलते जो डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट के चलते जो बीमारी होता है, तो उसी में देखो क्या कहता है, क्लोरोसिस
नेक्रोसिस, क्लोरोसिस का मतलब समझ रहे हो, क्लोरोफिल की कमी। तो जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, समझ रहे हो ना, उसका बायोमास घटने लगेगा, उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ द सेल या लीफ। उसी तरह संटेड प्लांट ग्रोथ, प्री मैच्योर फॉल ऑफ द लीव्स, पहली लीव्स गिरना शुरू हो जाएगा, लीव्स एंड बड्स एंड इनहिबिशन ऑफ द सेल डिविजन। अब देखो एक डिटेल दिए हुए क्या क्या कहता है, देखो क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू एलोइंग इन लिप्स। क्या होता है, जैसे क्लोरोफिल की कमी होगा लिप्स, तो लिप्स धीरे धीरे क्या होता है, एलो होने लगता है। और ये जो कॉज्ड होता है, देखो कॉज्ड बाय द एक एलिमेंट के चलते नहीं होता है, देख लो नाइट्रोजन, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, FeMn, Zn एंड MO, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के चलते नहीं होता है, तो इसी को कहा जाता है डिफिशियंसी सिप्टम। समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखो यहां पर आता है टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब देखो क्या कहता है, टॉक्सिसिटी का मतलब क्या कहता है, देखो रिडक्शन ऑफ ड्राई वेट्स बाय अबाउट 10% इज कंसिडर्ड टॉक्सिक। अब देखो एग्जाम्पल से समझाया, फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ द ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन्स इंड्यूस डिफिशियंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। थोड़ा सा इसको समझो, टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है, अगर कमी हुआ तो डिफिशियंसी हो गया, अगर बढ़ गया, एक्सीड कर गया, वो भी माने जितना उसका रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो उसी को कहा जाता है टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दिया, ये मैगनीज देख लो, अगर ये लीफ है, ये देखो ये लीफ है और ये क्लोरोटिक वेन है, माने यहीं पर क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्या होता है, कहता है कि अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो गया, यानी यहां पर मैग्नीज की क्वांटिटी एक्सीड कर गया क्रिटिकल कंसंट्रेशन से, तो क्या होगा, यहां पर क्या कहता है, इस वेन के देखो यहां पर ब्राउन स्पॉट आना शुरू हो जाता है, इस तरीके से ये ब्राउन स्पॉट आना शुरू हो जाता है। देखो अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड द क्लोरेटिक लिप्स, और इसके चलते क्या होता है, देखो इंड्यूस डिफिशियंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब उस मैग्नीज के चलते देखो ये भी क्या होगा, कमी होगा, जिसके चलते क्या हो जाता है, क्लोरोसिस होता है। समझ में आया, अब आ जाओ मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन में, उसमें ज्यादा टॉक्सिसिटी में नहीं पढ़ना था आपको। अब देखो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन में, आप सवाल ही पढ़े हो, नाइट्रोजन कहाँ है, तुम्हारा एयर में, वो भी इनर्ट कंडीशन में, यानी फ्री स्टेट में होता है वो, ध्यान से देखो पढ़े हो सब आदमी, नाइट्रोजन ये N2 के रूप में होता है, यानी इसको अगर बाउंड में लोगे तो ये N देखो ट्रिपल बाउंड होता है, और ये इनर्ट होता है। यहां पर क्या कहता है, नो लिविंग बॉडी हैव द एबिलिटी टू कैच और ट्रैप दिस नाइट्रोजन, ये बाबा जी है। और पढ़े हो एयर में तुम्हारा कितना है, ये 78%, तो कुछ ही लिविंग थिंग है जिसमें वो एबिलिटी है कि इस फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट, जो अनयूजेबल है उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, तब जाके प्लांट क्या करता है और उसको कहां फिक्स करता है, सॉइल में, और तब प्लांट उसको एब्सॉर्ब करता है। तो इस मेटाबॉलिज्म में देखो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ोगे और उसी में पढ़ोगे कि उस एयर से फिक्स जो होता है, तो उसमें देखोगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसी बायोलॉजिकल में देखोगे सिम्बोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर सिम्बोटिक में पढ़ोगे नोडल फॉर्मेशन और फेट ऑफ अमोनिया, वो जो अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है, तो उसके बाद उसका फेट क्या होगा वो जानोगे। तो इसमें मेन चीज यही पढ़ना है आपको, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बोटिक पढ़ोगे, उसमें एक सिम्बोटिक भी होता है, सिम्बोटिक भी होता है, कुछ फ्री लिविंग थिंग भी होता है।
अब थोड़ा सा जानो नाइट्रोजन के बारे में, साइकिल के बारे में, तो आगे हम बढ़ेंगे बेटा। अब देखो ये एयर है, यहां नाइट्रोजन है, ये क्या है एयर, देखो क्या होता है, ये नाइट्रोजन सॉइल में आवेगा, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एंटोफिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहां पर ये सॉइल में से वो नाइट्रोजन कहां चलाता है, प्लांट के बॉडी में। अब प्लांट उससे जो भी बनाना है बनाएगा, प्लांट क्या बनाएगा, नाइट्रोजन का रिसोर्स कंपोनेंट क्या होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड है आपका, या तो ये प्लांट क्या होगा, ईटन बाय एनिमल या उसका प्रोडक्ट। अब देख लो ये प्लांट और एनिमल उस यूज के बाद जो निकालता है वो अमोनिया के रूप में NH3, तो इसी प्रोसेस को ओमनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। और ये ओमनिफिकेशन से देख लो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, तो इसको कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, या तो ये फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, या नहीं तो फिर वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है फिर, इसी को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ध्यान से देखना, अब देखो यहां पर जो स्टेप होता है तुम्हारा इस साइकिल में, पहला हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा हुआ ओमनिफिकेशन, तीसरा हुआ नाइट्रिफिकेशन, चौथा हुआ डीनाइट्रिफिकेशन। अब देख लो यहां पर क्या होता है, ये जो साइकिल देख रहे हो, तो ईच स्टेप दैट आर ऑपरेटेड बाय ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया, पर्टिकुलर नॉट ऑल द बैक्टीरिया दैट फिक्स द नाइट्रोजन, ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया। उसी तरीके से ये ओमनिफिकेशन जो होता है तो ये जनरल है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन फिर देखो ये नाइट्रिफिकेशन में पढ़ोगे दो स्टेप होता है, तो हर स्टेप में एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है, और फिर वो नाइट्रिफिकेशन से जो नाइट्रेट या नाइट्राइट बनता है, तो दैट कन्वर्टेड इनटू द फ्री नाइट्रोजन, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, दे ऑल्सो नीड ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो इस नाइट्रोजन साइकिल में ह्यूमन इंट्रेंस नहीं है, दैट नाइट्रोजन साइकिल इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाई ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया। इसीलिए देखोगे जब से एटमोस्फियर का फॉर्मेशन हुआ है, एटमोस्फियर में 78% का ही नाइट्रोजन न कम हो रहा है न बढ़ रहा है, और जहां जहां ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ऑक्सीजन है, तो उसकी क्वांटिटी क्या होता है, घटता और बढ़ता है, बिकॉज देयर इज ए ह्यूमन इंटरेंस। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है आपका, परे हो गए डीनाइट्रिफिकेशन में क्या कौन सा बैक्टीरिया होता है, सुडोमोनाज, नाइट्रिफिकेशन में परे हो गए नाइट्रोबैक्टर। तो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है दैट ऑपरेट द नाइट्रोजन साइकिल। अब देखो यहां पर क्या कहता है कि द फेनोमेना ऑफ कन्वर्सन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजिनस साल्ट टू मेक इट अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने क्या बोला, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि वो फ्री नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है इस फॉर्म में, ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लो। तो जनरली क्या होता है, वो नाइट्रोजिनस साल्ट या नाइट्रेट इसको कहा जाता है, ये NO3 के रूप में। तो ये क्या होता है, यूजेबल फॉर्म होता है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में देख लो क्या होता है, ऊपर वाला मिटा दे, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी लो। अब देख लो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में आओ, देखो दो तरह से फिक्सेशन होता है, एक होता है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जितना अमाउंट नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसका मात्र वो 10% करता है, और एक होता है तुम्हारा बायोलॉजिकल फिक्सेशन, तो आगे बताएंगे। तो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, हमने क्या बोला, ओनली 10%। इसमें आ जाता है तुम्हारा लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, थंडर स्ट्रोम और एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन, जैसे एसिड रेन,
एटमोस्फेरिक पोल्यूशन है, एसिड भी क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो आ गया सॉइल में, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, जो बिजली कड़कती है तो क्या होता है, ये जो फ्री नाइट्रोजन है N2, तो यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जिसके चलते ये टूट के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये NO या तो NOT बना देता है, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है NO3 नाइट्रेट के रूप में, और तब प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस टाइप के फिक्सेशन को कहा जाता है एटमोस्फेरिक फिक्सेशन या फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलो। अब आ जाओ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में तुम्हारा दो तरह से होता है, एक होता है एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या हुआ कि वो जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं, वो फ्री लिविंग है। और एक होता है सिम्प्टोटिक, माने वो उसको एक चाहिए रहने के लिए, घर चाहिए, जो उसको भोजन दे तब वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। ठीक है, ये देखो क्या कहता है, ए लार्ज नंबर ऑफ द फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ध्यान से देखो क्या कहता है, ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया में देखो क्या आता है, एनावेना एंड नॉस्टिक फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म। दीज बैक्टीरिया आर टू टाइप्स। अब देखो एक कहता है फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन करेगा तुम्हारा, उसमें देखो क्या आता है एजेटोवेक्टर, देखो ये बीजरनिका डिरिक्सा, ये NCERT में दिया हुआ है, नीट ऑफ पॉइंट व्यू से इस नाम को रट लेना बेटा। ठीक है, दूसरा देखो फ्री लिविंग एनोरोबिक तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उसमें देखो क्लोस्ट्रिडियम और रेबडोस्पोरेलियम, देख लो ये याद कर लेना, ये फ्री लिविंग है। तो उस फ्री लिविंग को दो कैटेगरी बांटा, एक एरोबिक और एक एनोरोबिक। दूसरा देखो सिम्बोटिक, यही मेन पढ़ना है सिम्बोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, देखो मेन आता है बैक्टीरिया राइजोबियम, देख लो इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स। ये जनरली तुम्हारा राइजोबियम कहाँ होता है, लेगुमिनस। लेगुमिनस का मतलब क्या हुआ, दलहनी, दाल वाला जो खेती होता है क्रॉप, तो उसी के रूट्स में ये राइजोबियम पाया जाता है। ये रूट्स उसको क्या देता है, स्पेस देता है राइजोबियम को, घर देता है, भोजन देता है, तब ये राइजोबियम कहता है ठीक है तो तुम हमको इतना दे रहे हो तो हम तुमको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं। ठीक है, देखो कुछ है तुम्हारा जैसे एजोला, ये वाटर फर्म होता है इन एसोसिएशन विथ देखो एनावेना एजोलिया, देख लो फिर देखो कॉरलॉइड रूट्स ऑफ साइकस इन एसोसिएशन विद द एनावेना एंड नॉस्टिक। अब देखो कुछ तुम्हारा क्या होता है नॉन लेगुमिनस प्लांट्स होता है, वहां भी होता है, देखो ये फ्रेंकिया एक बैक्टीरिया होता है, वो पाया जाता है एनलस प्लांट पे। अब यहां पर ये क्या करता है, उस सिम्बोटिक बायोलॉजिकल फिक्सेशन में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, मेन तुमको राइजोबियम के बारे में पढ़ना है। अब ध्यान से देखो ये जो सिम्बोटिक जो होता है, जो भी बैक्टीरिया है, तो जब वो सॉइल में होता है तो वो एरोबिक हो जाता है, लेकिन जैसे वो रूट्स में चला जाता है तो वो एनारोबिक हो जाता है। पढ़ोगे क्यों एनारोबिक होता है, तो वही हम बोल रहे हैं कि उस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या क्या हो सकता है। ये देखो तीन चीज, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनस एंजाइम मेन चीज है, यही याद करना है। ये वो जो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, तो इन प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, दूसरा क्या होता है एनोरोबिक कंडीशन वहां पर होना, क्योंकि ये नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम जो होता है ये एक्टिवेट होता है इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। और तीसरा देखो क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एंड मोलोबेनम, ये एक्टिवेटर है उस एंजाइम का। तो ये तीन कंडीशन होना बेसिक रिक्वायरमेंट मांगता है।
अब देखो क्या होता है नोडल फॉर्मेशन, क्या होता है, मान लो सपोज करो रूट है, ये कॉर्टेक्स है, सवादी पर ये आपका एपिडर्मिस हुआ, इसी एपिडर्मिस से क्या होता है रूट हेयर निकलता है। देखो ध्यान से देखो, ये रूट हेयर है, ये क्या है, रूट हेयर है, वो कॉर्टेक्स हो गया एपिडर्मिस। अब ये सॉइल है, देखो अब इसी सॉइल में वो बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया है, तो जब ये सॉइल में होता है तो वो एरोबिक होता है तुम्हारा, वो सर्वाइव एरोबिक कंडीशन में करेगा। अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहले ये बैक्टीरिया जो राइजोबियम है ये मल्टीप्लाई करता है, कॉलोनी बनाता है, अपना संख्या बढ़ाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे इस रूट के किनारे जमा होना शुरू, ये रूट हेयर के देख लो यहां पर, तो उसी को इन्फेक्शन कहा जाता है। अब देखो पहला क्या होता है, देखो केमिकल रिकोजिशन ऑफ रूट एंड राइजोबियम, माने यहां रिकोनाइज करता है कि वो लेगुमिनस प्लांट है कि नहीं है, हर का अलग अलग एसोसिएशन है तुम्हारा। अब जैसे वो रिकोनाइज करता है और ये अटैक करता है इस रूट पे, तो क्या होता है ये जो रूट हेयर है ये कर्ल हो जाता है इस तरीके से, देखो तो इसी को कहा जाता है रूट कर्लिंग, सेकेंड स्टेप होता है तुम्हारा। फिर क्या होता है, एक इंफेक्शन थ्रेड बनता है इसके बीच में, देखो क्या होता है, ये इस तरीके से ये रास्ता बनता है, इसी को क्या बोले, इंफेक्शन थ्रेड इसको कहा जाता है, क्या बोलोगे, इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। देखो फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड एंड इन्वेजन ऑफ द रूट बाय राइजोबिया, राइजोबियम, इसी इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू वो बैक्टीरिया जो है तुम्हारा क्या होता है, इन करता है, ये इसी के थ्रू ये बैक्टीरिया देख लो इस तरीके से इन करेगा, और इन करते करते देखो कहां आ जाता है, कॉर्टेक्स में आ जाता है, ध्यान से देखना क्या कहता है, देखो नोडल टिश्यू फॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो नोडल टिश्यू, देखो क्या कहता है, द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड इनटू रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड कॉज इनर कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकिल सेल टू डिवाइड, क्या होता है जैसे ये राइजोबियम यहाँ कॉर्टेक्स में आता है, इसी कॉर्टेक्स के बगल में क्या है तुम्हारा इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल है, उसके बाद जाइलम है आपका, तो वो कॉर्टेक्स को और पेरिसाइकिल को क्या करता है, एक्टिवेट करता है फॉर द डिवीजन, तो यहां पर क्या होता है ये डिवीजन शुरू हो जाता है और ये इसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है तुम्हारा। अब यहां पर देखो क्या कहता है, डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ द कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकिल सेल लीड टू द नोडल फॉर्मेशन, क्या होता है अब यहां पर ये जो ग्रोथ होगा तो धीरे धीरे यहां पर क्या होगा, सेल बढ़ते चला जाएगा, इसी को क्या बोलते हो नोडुल, और इसी नोडुल के अंदर क्या रह जाएगा, वो बैक्टीरिया आ जाता है। समझ में आया मेरी बात, देखो आप डायग्राम से देख लो, आपका दिखाई दे रहा है डायग्राम, देख लो फर्स्ट स्टेप देख लो, जो बताए थे तुम्हारा ये कॉर्टेक्स हो गया, ये क्या हो गया, ये कॉर्टेक्स लेयर हो गया, ये देख लो रूट हेयर है, सॉइल है, प्लस वो बैक्टीरिया है। अब देख लो क्या होता है, जैसे वो रिकोनाइज होता है बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो रूट हेयर क्या होता है, कर्ल हो जाता है, तो इसको रूट क्या होता है, हुक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको रूट कर्लिंग बोला जाता है, और कर्लिंग इसलिए होता है ताकि रास्ता बने, तो धीरे धीरे देखो यहां पर एक पैसेज बनता है इस तरीके से, इसी को इन्फेक्शन थ्रेड कहा जाता है, और इसी के थ्रू वो बैक्टीरिया कहां चला आया,
कॉर्टेक्स में, जैसे ही कॉर्टेक्स में आता है तो ये बैक्टीरिया का शेप चेंज हो जाता है, थोड़ा रॉड शेप्ड हो जाता है, और वो यहाँ पर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल को एक्टिवेट करता है फॉर द डिवीजन। तो धीरे धीरे क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा तो यहाँ पर स्वेलिंग शुरू हो जाता है, तो उसी स्वेलिंग पार्ट को कहा जाता है नोडुल फॉर्मेशन। तो देखो ये रास्ता, ये देखो इन्फेक्शन थ्रेट कंटेनिंग बैक्टीरिया, इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल सेल अंडर डिवीजन, लास्ट में वही सेल मैच्योर करके क्या बन गया, ये नोडुल, ठीक है, और इसी नोडुल में वो बैक्टीरिया आप रहना शुरू कर देता है। अब देखो क्या कहता है, रूट नोडुल एक्ट एज ए साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो इट कंटेन एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड पिंक कलर पिगमेंट, ये याद करना है बेटा, देख लो पिंक कलर पिगमेंट दैट इज नोन एज लेग हीमोग्लोबिन। हमने क्या बोला था कि जैसे ही वो बैक्टीरिया यहाँ आवेगा तो यहाँ होना चाहिए एनारोबिक कंडीशन, क्योंकि ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है एक्टिवेट होता है इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो वहां पर उस नोडुल में ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए क्या होता है, उस बैक वहां पर एक पिगमेंट निकलता है लेग हीमोग्लोबिन, तो वो क्या करता है उस ऑक्सीजन को खा जाता है, इसके लिए इसको ऑक्सीजन एक्सचेंजर भी कहा जाता है। तो ये दो चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, एंजाइम नाइट्रोजिनेज कैटेलाइज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। ये एंजाइम क्या होता है, पर है वो आपका वो साइट होता है, जैसे देखो ये इस तरीके से देखो ये हुक हो गया, वो फ्री नाइट्रोजन जो है N2 इसी में फंस जाता है इस तरीके से नाइट्रोजन। ये ट्रिपल बॉन्ड है आपका, क्या होता है ये बॉन्ड टूटता है ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन इधर हुआ और यहीं पर क्या होता है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है NH3 बना देता है। तो यही एंजाइम, फिर ये जैसे वो नाइट्रोजन टूट गया अमोनिया बन गया, अब दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पर आएगा और इस तरीके से ये प्रोसेस तुम्हारा चलता रहता है। देख लो क्या कहता है, एंजाइम नाइट्रोजिनेज कैटेलाइज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना देता है, अमोनिया का फॉर्मेशन कर देता है NH3। अब देखो लेग हेमोग्लोबिन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू प्रोटेक्ट द नाइट्रोजिनेज एंजाइम व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन एस्केवेंजर। याद रहेगा बेटा, ये देख लो ये चीज दिमाग में रखना, ये देखो ये वो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन का दिखाया, देख लो पता नहीं डायग्राम दिख रहा है कि नहीं आपको, यही ये एंजाइम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, देख लो ये। अब देखो यहां पर ये फ्री नाइट्रोजन देखो यहां उस हुक में फंसा, ये फिट होता है हर एंजाइम में, ये हुक होता है तुम्हारा उसी में फंसता है। अब देखो अब यहां पर 2H आया, अब जैसे बॉन्ड टूट एक माने ट्रिपल बॉन्ड एक टूटा था, एक हाइड्रोजन यहाँ ज्वाइन कर गया एक हाइड्रोजन, फिर देखो फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा फिर 2H यूज हुआ, फिर तीसरा बॉन्ड टूटेगा, देखो रिडक्शन होते जा रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन होते चला जा रहा है। अब देख लो जैसे ही, अब देख लो एक अमोनिया NH3 ये बन गया, एक ये बन गया, ये यहां से अब निकल जाएगा, जैसे निकलेगा तब ये क्या हो गया नाइट्रोजिनेज फ्री हो गया, अब दे बाइंड विद द अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द नाइट्रोजन, और इस तरीके से देखो अमोनिया का प्रोडक्शन तुम्हारा क्या होता है शुरू हो जाता है। समझ में आया, अब देखो टू मॉलिक्यूल एक माने साइकिल में तुम्हारा जब वो नाइट्रोजन माने रिडक्शन होता है नाइट्रोजन का, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और ये हाईली एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। तो ध्यान से देखो क्या कहता है, एक N2 देखो 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन एंड 16 ATP ये यूज करता है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द अमोनिया। ये याद रखना है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द अमोनिया के लिए इसको कितना ATP चाहिए, 16 ATP, ये याद रखना। और हाइड्रोजन देखो 2H यहां 2H यहां 2H यहां, तो मोर और लेस कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ता है।
क्लियर है। देखो नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन एंड रिक्वायर एनोरोबिक कंडीशन, इस समझवे किए हो, प्रोटेक्टेड बाय ऑक्सीजन एसेंजर कोल्ड लेग हेमोग्लोबिन। ये देखो अब वो जो अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है तो कहता है कि इसका फेट भविष्य क्या होगा, तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो रिडक्टिव एमिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, वो अमोनिया जो है NH3, ये देख लो ये NH3 एक हाइड्रोजन लेके H+ लेके ये कन्वर्ट हो जाता है NH4- में, देख लो सॉरी माइनस है प्लस है बेटा, ठीक है। अब क्या होता है इसी NH4 यहां पर क्या होता है, एक होता है अल्फा कीट, ये अल्फा कीटो गुलटेरिक एसिड, अल्फा देखो अल्फा कीटो, ये अल्फा है कीटो गुलटेरिक एसिड प्लस NADPH और वो अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में, और यहां पर जो एंजाइम चाहिए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब देखो उसके बाद ग्लूटामेट का देखो क्या कहता है, ट्रांसएमिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ ए कीटो एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड देखो, अब यहां पर जो ग्लूटामेट, ग्लूटामेट का मतलब ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम व्हिच द ट्रांसफर ऑफ NH2। तो ये मेन इस, अब इसी ग्लूटामेट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, वहीं पर एमाइड ग्रुप होता है। देखो टू मोस्ट इंपोर्टेंट एमाइड्स क्या होता है, एस्पेरिजिन और ग्लूटामिन फाउंड इन प्लांट्स आर ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्रोटीन। अब इसी एमाइड में एक अमीनो ग्रुप क्या होता है ज्यादा होता है, जिसके चलते क्या होता है उसी का कन्वर्सन होते होते होता है, और जिसके चलते डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया मेरी बात, बोलो समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है पूछो। हाँ ये देखो ये सुचित्रा, अरे बेटा नोडल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, अब वो बैक्टीरिया इन करेगा ना लेगुमिनस प्लांट में, आपके NCERT में सोयाबीन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो सबसे पहला क्या होता है कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर, ठीक है, उसके चलते क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ द इन्फेक्टेड थ्रेड होता है। अब वो बैक्टीरिया उस थ्रेड के थ्रू इंटर कर जाता है कहाँ, कॉर्टेक्स में, अब वहाँ पर कॉर्टेक्स सेल का डिवीजन के चलते तुम्हारा क्या होता है नोडुल का फॉर्मेशन होता है। अब उस नोडुल में वो बैक्टीरिया क्या होता है रहना शुरू कर देता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू कर देगा आपका। नहीं अमीनो एसिड जो है उसमें एक NH4 ग्रुप ज्वाइन कर दोगे तो वो एमाइड हो जाएगा तुम्हारा, तो उसी एमाइड को क्या बोलते हैं एस्पोरोजीन और ग्लूटामिन। हाँ सोन क्या है ये, हाँ राधिका बोलो बेटा, नहीं वो अमोनिया जो बनता है तुम्हारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन के चलते, तो वो अमोनिया क्या होता है उसका फेट क्या होता है, एक हाइड्रोजन लेके वो क्या बना देगा अमोनियम आयन NH4+। अब वो NH4 जो है तुम्हारा वहीं पर अल्फा कीटो गुलटेरिक एसिड होता है इन प्रेजेंस ऑफ द NADH, उसको एक एच और चाहिए, ठीक है, और वो बना देता है तुम्हारा ग्लूटामिक अमीनो एसिड, और ये ग्लूटामिक अमीनो एसिड जो होता है वो मेन अमीनो एसिड होता है, और इसी में क्या होता है NH2 का चेंज हो के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। बोलो और कुछ, देखो ये लड़का क्या बोल रहा है, किस्मत किस्मत, अरे बेटा जो कमजोर होता है ना वही किस्मत पर रोना रोता है, और जिन्हें उड़ना होता है जगना होता है
तो वो पत्थर का सीना भी तोड़ देता है, चीर कर भी निकलता है। कभी कभी देखते होंगे दीवार फाड़ के पौधा बाहर निकल जाता है। सीखो उसे, क्योंकि उसको उगना था। इसलिए कभी भी अपने किस्मत पर मत रोइए, ऊपर वाला सबको किस्मत दिया है, सबका भाग्य लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि भाग को लेके बैठ जाओ, जो होना होगा होगा। नहीं, मेहनत तो करना है। जो भी आजकल जिसको तुम महान बोलते हो, उसका हिस्ट्री पढ़ के देखो ना, वो कहां था, कहां से कहां चला गया। कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। संकल्प लो और हमेशा ये दिमाग में रखो कि आई डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मेरी मुझ में है इतनी क्षमता। जब जिस दिन ये चीज तुम में जागृत हो जाएगा, साधन कोई माने नहीं रखता है। महात्मा बुद्ध का हिस्ट्री पढ़ो ना, कहां राजा का बेटा, देखो अब राजा का बेटा समझ रहे हो क्या, ऐसो आराम छोड़ के कपिल वस्तु से पैदल चलाया गया, एक पेड़ के नजदीक बैठ गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, एक धर्म की स्थापना कर दिया। तब बोलो, तो सबसे बड़ी चीज होती, कभी भी किस्मत पर मत रोया कीजिए। सबका किस्मत बहुत अच्छा है और हमेशा क्या बोले, एकदम आई डू इट, आई डू इट, आई डू इट। और बायोलॉजी के लिए तो कोई चिंता नहीं करो, कोशिश करो समझने का, जहां समझना है। कुछ चीज है जहां पर रट्टा मारना है, तो रट्टा मारने के लिए हम नहीं बोले, उसको बार बार लिखते रहो, बार बार लिखते रहो, बार बार पढ़ते रहो, उस वर्ड को भी लिखते रहो, ठीक है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज बेटा, तुम लोग तो सुनता ही नहीं है, खाली भी देख लेता है, छोड़ देता है, थोड़ा सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहा है, और सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ाओगे तो कहाँ से आवेगा आमदनी। सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, मित्रों के बीच में इसको फैलाओ। और अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, इसका पीडीएफ नोट लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, बायोलॉजी के अलावा और विषय भी पढ़ना चाहते हो, तो बार बार स्लाइड में, हम अब इस स्लाइड में नहीं लिखे हैं, बार बार बोलते हैं, www.paramartham.com पर जाइए, खोलिए सब चीज़, उसमें कैसे क्या करना है, और लाइव जुड़ो मेरे साथ, ठीक है, बाय।